आज हम जूते बनाने वाली एक ऐसी कंपनी में मौजूद हैं जहाँ पे PU सोल के जूते बनते हैं। वैसे तो आपने जूते खुद भी पहने और लोगों को पहनते भी देखा, और जूतों का बड़ा कमाल है। आज हम आपको बताएंगे कि जूते जो है वो बनाने वाली इंडस्ट्री किन किन मराहल से गुजर के जूता मुकम्मल होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस कंपनी के CEO आतिफ हुसैन साहब, कि वो हमें इस फैक्ट्री का विज़िट भी करवाएं और जो जो स्टेप काम के हैं उस बारे में भी हमें जानकारी दें। आतिफ साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि सबसे पहला जो स्टेप है जूते में वो क्या है? क्या रैगजीन आप खुद बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं? रैगजीन सर ये इम्पोर्ट होती है मार्केट से, उसके बाद फिर हम इसको ला के ना मुख्तलिफ डिज़ाइन की ये इस शेप में आती है, रोल में आती है, ये जो है ना ये जो रोल है। ठीक है, ये रैगजीन है। हाँ, ये रैगजीन है। ये वज़न के हिसाब से मिलती है? नहीं, ये इसका ना पर रोल होता है, मीटर के हिसाब से मिलती है। मीटर के हिसाब से। उसके बाद फिर ये अगला इसका जो स्टेप होता है ना कि ये इसको कटिंग करते हैं हम, जो डिज़ाइन होते हैं ना लहदा, उसकी कटिंग होती है अलहदा डाइयों पर। उसके बाद फिर जाकर हम इसको स्टिचिंग यूनिट में भेजते हैं, जो इसको ना अलहदा जो डिज़ाइन उनको दिए होते हैं उस हिसाब से ये उन्होंने स्टिच करना होता है अलहदा अलहदा डिज़ाइनिंग के साथ। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप कौन सा? इसके बाद सारा हमारा जो अगला नेक्स्ट होता है ना वो अपर तैयारी होती है। अपर की जो है ना वो हम इसको स्टिच करते हैं, मतलब के सिलाई करते हैं। उसके बाद फिर जाके मशीन पे इसकी प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के बाद फिर जाके पैकिंग का मरला आ जाता है। पैकिंग के बाद फिर उसको जो है ना वो हम तब्दील करते हैं इसकी, ये इसकी है प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। ये अब मशीन के इसमें PU मटेरियल डालते हैं और इसकी अब ये प्रोडक्शन हो रही है। इसके ऊपर अपर लगा के टाइम के ऊपर ये फिलिंग डाल रहे हैं साथ साथ। ये PU मटेरियल इसमें डाला जा रहा है? हाँ, ये PU मटेरियल डाला जा रहा है। ये देखें ना, ये चीज़ पहले इसको हम डाई के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर फिल करते हैं मटेरियल, डाई बंद करते हैं। इसका 2-3 मिनट का होता है प्रोसीजर, जो इसमें ना तैयार होना होता है सोल में। अभी ये जब निकलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस वजह से ये अब ये लड़के रख रहे हैं। आप बताएं ये कारोबार जो है इसकी क्या अहमियत है और कैसा है, अगर कोई बंदा ये सरमाया लगा के अपना कारोबार करना चाहे तो कैसा कारोबार है? आप तो कर रहे हैं माशाल्लाह। कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा कारोबार है। आप कितने साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं? मुझे ऑलमोस्ट हो गए कोई 12 से 15 साल हो गए इस फील्ड में। 12 से 15 साल हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। ये देखें अब ये जो है ना ये तैयार हो गया है। ये अब इसकी ना फिनिशिंग होगी बाद में, ये जो एक्स्ट्रा है ना ये चीज़ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये जो साइड से आ रहा है ये चीज़ ये कट जाएगी। इसके बाद ये फिनिशिंग में जाएगा, पैकिंग में जाएगा। अब ये चीज़ वादे हो गई है, ये शेप बन गई। ये अभी जो मटेरियल डाला था ये उससे सोल बन गया। हाँ, ये चीज़ ये सोल बन गया इसका। उसके बाद ये पैकिंग में जाएगा, इसकी फिनिशिंग होगी, जो इसकी वेस्टेज वगैरह होती है वो साफ़ होगी। उसके बाद फिर इसकी डिलीवरी करेंगे हम अपनी पार्टी से। आप नाज़रीन को ये भी बताइए कि डाई से ये पीस निकालते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? इसमें ये होता है सर, एक तो इसकी ये फिटिंग हमने प्रॉपर करनी होती है। ये चीज़ जो होती है ना, ये जहाँ पे फ़र्क आएगा वहाँ पे जूती की फ़िटिंग नहीं सही आएगी, जूती अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद फिर इसकी डाई की सफाई होती है, ये जो डाई है ना ये अंदर से साफ़ होनी चाहिए। एक दो केमिकल्स होते हैं जो इसके अंदर हम लगाते हैं जिससे डाई में चमक आती है, जो साफ़ सुथरा सोल निकलता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं मेन, जिसको हमें देखना होता है। आपकी ये जो मशीन है इस पर कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है? इसमें 3-4 किस्म की मोटर चलती हैं, तकरीबन 1 से 1.5 हॉर्स पावर की होती हैं मोटरें। कोई एक की होती है, कोई 1.5 की होती है। इसके लिए 3-फेज कनेक्शन भी ज़रूरी है? जी जी, 3-फेज कनेक्शन ज़रूरी है इसके लिए। और क्या सुई गैस का भी कोई अमल दखल होता है आपके काम में? सुई गैस का अमल दखल होता है, हमने इसको जो हमारा मटेरियल होता है ना PU का,
जब रॉ मटेरियल आता है ना ड्रमों की शक्ल में, ये इन ड्रमों की शक्ल में आता है, ये जो ड्रम पड़े हुए हैं ना, तो इसको हमने गर्म करना होता है एक ख़ास टेम्परेचर पे। तो उसको गर्म करने के लिए फिर हमें गैस की ज़रूरत होती है जो उसको हीट बचानी है। मतलब ये जो केमिकल है जिससे सोल बन रहा है वो इन ड्रमों की सूरत में आता है? जी, ड्रमों की सूरत में आता है। और क्या ये पाकिस्तान से मिलता है, लोकल मेड है या बाहर से मंगवाते हैं? सर इसमें शुरू में तो ये इम्पोर्ट ही होता था, अब एक दो साल हो गए पाकिस्तान में इसकी हो रही है प्रोडक्शन, तो तीन चार कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में कर रही हैं। हमारी अपनी डिज़ाइनिंग होती है जो हम मार्केट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद फिर जो कस्टमर हमारे रेगुलर कस्टमर हैं वो हमें को अपने डिज़ाइन दे देते हैं, हम उनको वो प्रोडक्शन करके दे देते हैं। जो रिपेयर हो रहा है ये प्रोसेस क्या है? ये सर है मशीन से प्रोडक्शन के बाद ना इधर आके इसकी ये वेस्ट सफाई होती है, ये साफ़ करेंगे, उसके बाद इसको पैकिंग करेंगे, इसमें जो कमी बेशी है वो चेक करेंगे, जो जिसमें अगर किसी में फॉल्ट है तो उसको साइड पे करके बिल्कुल एक क्वालिटी का माल हम आगे भेजेंगे। ये सफाई का प्रोसेस होता है, जहाँ से पैकिंग होकर फिर हम आगे डिलीवरी करते हैं। इसमें ये देखें ना ये चीज़, अब ये जो सेट से मशीन से वो वेस्ट होती है ना, ये वेस्ट साफ कर दी उन्होंने, अब ये चीज़ ये वाजी हो गई। इस प्रोसेस के बाद पैकिंग का प्रोसेस रह जाता है? इसके बाद इसको पैकिंग करते हैं कॉटन में, उसके बाद फिर मार्केट भेज देते हैं। इसका सोल जो है वो, इसके जो पतावे हम उसे कहते हैं, वो कहाँ पर तैयार होते हैं और उनकी प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो सर हम आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा सर, नीचे कटिंग करवाने के बाद ना ये देखें, हम ना इस शक्ल में ये अब माल आ जाते हैं इनके पास, ये जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये नीचे प्रेस से कटिंग होके आ गया है। अब इसको हमने ना जो हमारे डिज़ाइन है ना डिफरेंट किस्म के, जैसे एक ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, अब इनका क्या काम होना है कि इन्होंने ना उसको उस डिज़ाइन के हिसाब से एक्चुअल जो डिज़ाइन होना है ना डिज़ाइनिंग इसकी, वो अलग अलग कर देनी है। अब ये लड़का कर रहा है, अब ये इसकी ना सिलाई कर रहा है, जो एक्चुअल डिज़ाइन बनेगा वो ये बनाएंगे। फिर इसके बाद इसकी जो ऊपर फैंसीज लगती हैं और मटेरियल लगते हैं, जो इसकी ना डेकोरेशन वगैरह जो भी होती है जूते की, वो यहाँ से तैयार होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस जो प्रोसेस होता है ना वो होता है उसका प्रोडक्शन का, जिसको हमने जाके फिर इसकी प्रोडक्शन करनी है। इसमें ये धागा वगैरह इस्तेमाल होता है, ये स्टिचिंग मशीनें होती हैं। उसके बाद नीचे जो है ना हमारा ये इसके जो नीचे पतावा होता है जिसको हम बेस कहते हैं जूते की, उसको कटिंग के बाद हम ना प्रिंट करते हैं अपने नाम का या ब्रांड जो भी हमारा हो उस हिसाब से ना हमने इसको प्रिंटिंग करनी होती है डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। तो ये हमारा प्रिंटिंग का शोभा है, जिसको ना हम ये देखें, अब ये बच्चा कर रहा है भाई, ये हमारे ना अलग डिज़ाइन होती हैं, स्क्रीन डिज़ाइनिंग होती है इनकी, तो ये इसके ऊपर ना डिफरेंट कलर स्क्रीन प्रिंटिंग भी बोलते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग। अभी आपने साफ इसको सेट करेगा तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद ये देखें प्रिंट हो गया, हाँ ये प्रिंट हो गया आ गया। अब ये हमने अपना लोगो किया हुआ है, उसके बाद वो आपने जिस ब्रांड का माल बनाना हो वो हाँ ब्रांड यहाँ प्रिंट हो जाता है। जी ऐसे ही है, तो उसको काफ़ी सारी स्क्रीनें होती हैं जाने के हिसाब से। इसके बाद जो है ना ये पैकिंग के बाद इसकी डिलीवरी हो जाएगी मार्केट में, हमारी आउटलेट्स पे, वहाँ से ये आ गए थे रिटेलर्स के पास जाएंगे। काम बहुत अच्छा है सारी ये अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ साहब, मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि इस कारोबार का इम्पैक्ट क्या है, ये कैसा कारोबार है जो नए हजरात सरमायाकारी करके इस कारोबार में आना चाहें उनको क्या कहना चाहें? सर काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, इसके लिए बस जिसके बंदे के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है जूते का इस फील्ड का तो उसे करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। 12 महीने का काम है इसमें, ये नहीं कि ब्रेक नहीं है, आपके पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा बिजनेस है इसमें। मैं तो कहूँगा कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या किसी के पास इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है जूतों की मार्केट का, इस लाइन में आना चाह रहा है, तो और कई काम ऐसे हैं जो मेरी नज़र में हैं सेम इन्वेस्टमेंट में, ये काम उनसे 100 गुना बेहतर है, बहुत अच्छा काम है इसमें, तो मेरा ख्याल है कि करना चाहिए।
कोई अंदाज़ा बता सकते हैं कि एक महीने में वो पैसे कितने कमा सकता है? सर ये डिपेंड करता है कि उनका ना तरीकाकार क्या है, उनकी प्रोडक्शन कितनी है, कि वो कितना को माल आगे बेच सकते हैं, मार्केटिंग कैसी उनकी। लेकिन जो है ना इतनी इन्वेस्टमेंट में ये है कि अच्छा इसको ना रिटर्न मिल सकता है, आपको 15 से 20 लाख रुपये तक हो सकता है मंथली इनकम। मंथली 15 से 20 लाख रुपया कमाया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसकी स्ट्रगल कितनी है, भागदौड़ कितनी है, आप उसको मार्केट को किस तरह कैप्चर करते हो, ये कुछ चीज़ें मैटर रखती हैं। सही है जी नाज़रीन, अभी आप आतिफ हुसैन साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना ये है कि नए लोग जो सरमायाकारी करना चाह रहे हैं वो इस कारोबार में आएँ। मुझे उम्मीद है हसबे रिवायत आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आसिम कुंभो को दीजिए इजाज़त। रब रखा।